अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी। मैं सफदर खान ज्ञानी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल के एक बड़े इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि जो मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है वो क्लियर हो जाए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जो डॉक्यूमेंट है उसको बेसिकली हम फार्मा इंडस्ट्री में कहते हैं BMR, जो फुल फॉर्म है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कहलाता है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें स्टेप्स होते हैं, कैसे इश्योरेंस होता है और इसके इसके क्राइटेरिया क्या है, उसको हम थोड़े डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जब किसी कंपनी में देखिए कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर रिसीव होता है, डेफिनेटली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके पास एक बाकायदा एक प्लानिंग होती है। उसके तहत वो अपने पूरे मंथ के बैजेस जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग में ला रहा होता है। मंथ की प्रोडक्शन प्लानिंग एक होती है। तो जो प्रोडक्शन को जो ऑर्डर मिल रहे होते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है वो दे रहा होता है मार्केट के बिहाफ पे। तो जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जा रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो नेम है, लेट्स सपोज ए बनाने जा रहा है, जी बनाने जा रहा है, बी बनाने जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का नेम है, तो वो एक रिक्वेस्टेशन फॉर्म में, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजता है, हम ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आप हमें इसका प्रोटोकॉल इशू कर दें। प्रोटोकॉल क्या है? बेसिकली BMR इशू कर दें। तो ये जो इश्योरेंस है ना, बेसिकली ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इशू करता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितना डॉक्यूमेंट पे जो कंट्रोल होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो उस जो भी प्रोडक्ट ए बनाने जा रहा है, लेट सपोज, तो उसका BMR उस प्रोडक्शन को इशू करता है सारी चीजें चेक करने के बाद। उनके पास एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, उसके बिहाफ पे वो कॉपी करते हैं और कॉपी कंट्रोल होती है, तो उसके बिहाफ पे उसको बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह क्लियर कर लें अपना। इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन के लोग उसको चेक करते हैं प्रोटोकॉल पे, एक्सपायरी मैन्युफैक्चर बैच नंबर लिख के साइन करके और उसकी रिसीविंग करवा देते हैं प्रोडक्शन वाले को, एक रजिस्टर में अपने पास एंट्री करते हैं और किसी प्रोडक्शन के नॉमिनेटेड बंदे को रिसीव करवा देते हैं। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाले प्रोडक्शन वाले एज पर प्रोटोकॉल, एज पर BMR अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है डेफिनेटली जा रहे वो जो BMR है वो वेयर हाउस पे जाता है। वेयर हाउस में सबसे पहले आपको पता है जो मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर जैसे आप चाय बनाते हैं तो उसके लिए आपको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, चीजें मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसी तरह जब कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल डलता है। एक तो आपका होता है जेनरिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाता है, इसके बाद उसके साथ नंबर ऑफ एक्सिपिएंट्स होते हैं उसके साथ साथ, तो उनके सारे डिस्पेंसिंग के लिए, उनके रिक्वायरमेंट के लिए डेफिनेटली प्रोडक्शन को वेयर हाउस जाना पड़ता है। तो वेयर हाउस से उसके बाद उसकी डिस्पेंसिंग का प्रोसेस होता है, उससे पहले लाइन क्लियरेंस का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जब लाइन क्लियरेंस होती है तो वहां पे प्रोडक्शन का वेयर हाउस के लोग होते हैं और इसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा लाइन क्लियरेंस देता है चेकिंग के लिए, काउंटर करता है। अब वेयर हाउस के लोग चेक करके क्वालिटी एश्योरेंस को नॉमिनेट करते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग उसको चेक करके लाइन क्लियरेंस देके फिर वहाँ डिस्पेंसिंग शुरू होती है। और डेफिनेटली जब डिस्पेंसिंग शुरू होती है तो उस पर भी प्रोडक्शन वेयर हाउस के लोग और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग लाजमी होते हैं। तो यानी जो जो मटेरियल डल रहा होता है, जो बिल ऑफ मटेरियल पे चीज जाती है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उनको काउंटर करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनकी वेइंग करते हैं, ये सारा प्रोसेस डिस्पेंसिंग कहलाता है। इसके बाद वो प्रोडक्ट जो है, डिस्पेंस मटेरियल जो है, अपने प्रोडक्शन एरिया में चला जाता है, रिसीव हो जाता है और वो प्रोटोकॉल BMR साथ साथ वहीं चला जाता है। तो लेट्स सपोज अगर टेबलेट है तो पहले डेफिनेटली ग्रेनुलेशन में जाएगा, फिर कंप्रेशन में जाएगा, फिर कोटिंग में जाता है, फिर ब्लिस्टर में जाता है। अगर कोई सिर्फ कोई कैप्सूल है तो वो उसका पहले ग्रेनुल्स बनते हैं, पाउडर फॉर्म होता है, ब्लाइंडिंग होती है, उसके बाद वो एनकैप्सुलेशन एरिया में जाता है, फिर ब्लिस्टर में जाता है। लेकिन जितने इस स्टेप पे जाती है, जो प्रोडक्ट आपकी स्टेप से गुजर दी जाती है, ये BMR साथ साथ उन स्टेजेस पे चलता रहता है। डिस्पेंसिंग के बाद डेफिनेटली अगर टेबलेट की मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो ग्रेनुलेशन एरिया में चला जाता है। फिर ग्रेनुलेशन एरिया में वहाँ जो उसके स्टेप्स होते हैं एज पर प्रोटोकॉल फॉलो ओवर होते हैं, वहाँ पे फिर भी क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व है, वो लाइन क्लियरेंस देते हैं, चेक करते हैं और अगला प्रोसेस होता रहता है। मीनवाइल अगर यहाँ सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है तो क्वालिटी एश्योरेंस वाले अपना सैंपल पिक करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को देते हैं और इसी स्टेज पे क्वालिटी कंट्रोल वाले अपनी टेस्टिंग भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और रिलीज करते रहते हैं। टेस्टिंग का पैरामीटर साथ साथ चल रहा होता है। फिर अगर ये कंप्रेशन में चला जाता है तो ये डॉक्यूमेंट स्टेप स्टेप साइन अप हो पे कंप्रेशन एरिया में चला जाता है। फिर कंप्रेशन एरिया वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वहां पे जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो सारी एक्टिविटी साथ साथ होती है।
जिसमें लेट सपोज टेबलेट का कंप्रेशन हो रहा है, फिर उसकी वेट वेरिएशन का प्रोसेस है, जो उनका रिलीज है, डीटी लगाना है, तो ये सारे स्टेप्स, ये टेस्ट जो है इन प्रोसेस लेब में साथ साथ हो रहे होते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है, कैंडिडेट होता है, वो भी साथ साथ सारे टेस्ट कर रहा होता है। फिर इसके बाद आप डेफिनेटली वो चीज कोटिंग एरिया में चली जाती है, कोटिंग का जो प्रोसेस है, फिर कोटिंग का डॉक्यूमेंट भी उसी बीएमआर के साथ लगा होता है, वहां जो क्राइटेरिया है वहां फिलिंग होना है, सब कुछ होना है, वहां से कलेक्ट 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 करना है, तो वहां भी डेफिनेटली क्वालिटी एश्योरेंस के लोग अपने टेस्टिंग के स्टेप्स भी साथ साथ कर रहे हैं। फिर आप फिनिश स्टेज पे चले जाते हैं, फिनिश से फिर सैंपल क्यूसी में आता है, क्यूसी के लोग बाकायदा उसकी टेस्टिंग करते हैं, ब्लिस्टर में जो चला जाता है स्टेज, वहां पे ब्लिस्टिंग हो रही है, फिर वहां लाइन क्लियरेंस है, ब्लिस्टिंग का जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें उसके साथ लगी हैं क्या नहीं है, वो सारी वहाँ डॉक्यूमेंट की फुल फिल जो जो है प्रोडक्शन के एंड से वहां सारी कुछ हो रही होती है, लेकिन क्वालिटी साथ साथ चल रही होती है, क्वालिटी क्यूसी क्यूसी के लोग और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग साथ साथ इसको काउंटर कर रहे होते, चेक कर रहे होते। इसके बाद चेक होने के बाद, पैकिंग होने के बाद, डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है आपके डिस्पैच एरिया में चली जाती है, जहां से मार्केट में जाती है, लेकिन डिस्पैच होने के बाद वही डॉक्यूमेंट फिर दोबारा क्वालिटी एश्योरेंस पे आ जाता है, क्योंकि फाइनल स्टेज पे क्वालिटी एश्योरेंस के लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं क्यूसी के रिकॉर्ड के लिए, जो फिनिश प्रोडक्ट पैक हो जाती है यूनिट कॉटन के अंदर, उसके सैंपल एज पर क्वांटिटी जो डॉक्यूमेंट मेंशन होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग पिक करते हैं अपने रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, उनके पास अपना रिकॉर्ड रखना होता है तो सैंपल वो पिक करते हैं। इसके बाद वो डिस्पैच होके डिस्पैच एरिया में जाती है, लेकिन मार्केट पे जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस के पास दोबारा आ जाता है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस ने इशू किया और सारे स्टेप होने के बाद ये बीएमआर दोबारा क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस के लोग इसको चेक करते हैं, काउंटर करते हैं, कहाँ कोई डेविएशन तो नहीं हुई, कहाँ कोई चेंज कंट्रोल तो नहीं हुआ, लाइन क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, डीटी के डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, वेट वेरिएशन जो किया वो सब कुछ लगा हुआ है, यानी मीन्स उसके सिंपल ये है, उसकी रिकनसाइलेशन करते हैं, फिर एक ईल्ड निकलती है, ये सारे चेक करने के बाद जो प्रोडक्शन में ईल्ड निकालते हैं, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के लोग इसको काउंटर कर रहे थे, इस डॉक्यूमेंट को दोबारा क्वालिटी एश्योरेंस को लोग काउंटर करते हैं, फिर वो उसको चेक करके फिर उसको रिलीज करते हैं, और इसके बाद जो है ना ये पैच जो है ना मार्केट में जाता है। तो ये फ्रेंड सारा प्रोसेस बीएमआर का, बीएमआर किस किस स्टेप से इशू होता है, बीएमआर बेसिकली होता क्या है, वो डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट है, जो किसी भी इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें तो अपनी जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसी के तहत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था, जो डिस्कस करने का मेन फोकस और पॉइंट ये था, याद रखिए कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे होते हैं, जो बैच नंबर होता है और एक्सपायरी होती है, प्रोडक्शन के लोग नहीं इशू करते, ये हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस के पास राइट होता है, वही लोग इशू करते हैं। तो ये है इसका टेक्निकल पॉइंट, और ये सारी टेक्निकल चीजें जो हमने बीएमआर की डिस्कस की, इसको हम बीएमआर कहते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट भी कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर लाजमी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स आपके आ रहे हैं, थैंक यू, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, ताकि ये टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल बातें आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो क्लोज करते हैं आप इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।